नमस्कार आज हम एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यकारक ऐसी वनस्पति देखने वाले हैं कहते हैं कि ये जो बड़ है इसका पेड़ ये अनादि है हमारे संस्कृति में हम लोग जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश वटस् पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा सब प्रलय हो गया था कुछ बचा नहीं विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए माया सो गई सब कुछ शांत सब पानी 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 सब जगह पर ऐसे सब जो स्थिति थी तब एक ये बरगद का ये वड़ का जो पत्ता है पेड़ का इसके ऊपर भगवान सोए हुए थे अपना अंगूठा जो है पाँव का वो मुंह में डाले हुए श्री कृष्ण परमात्मा ये क्या बताते हैं कि ये विश्व का चक्र पाँव का अंगूठा जब मुंह में पकड़ा तो विश्व का चक्र बताते हैं और ये ये पत्ते के ऊपर ये ताकत है कि ये विश्व का चक्र फिर चालू करे और वहाँ से फिर सब उत्पत्ति शुरू हो गई फिर यह दुनिया बनी तो इसका महत्व ये पेड़ का बहुत बन जाता है मैं तो गुजरात से बड़ौदा जो है वटोदरा उसके पहले इसको बड़ौदा भी कहते थे बड़ोदरा भी कहते थे लेकिन उसका असली पहले नाम है पुराना वो वटोदर जिसके अंदर जो गांव के अंदर शहर के अंदर बहुत सारे वटवृक्ष है वो वटोदर है इससे ये नाम बनता गया है ये जो पेड़ है हम तो इसके बहुत प्रेमी हैं क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ बनता है और इसकी खासियत ये है कि नीचे इससे जो जटा है वो आ जाती है और ये जटा कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ज़मीन में चली जाएगी और वहाँ एक नया पेड़ जैसे बन गया इसे बन जाएगा इसका सपोर्ट मिल जाता है पेड़ को और ये पेड़ बहुत 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 लंबा रहता ही है वहाँ पर कबीरवट जो है वहाँ पर ऐसे एक बहुत बड़ा पेड़ है वट वृक्ष है तो ये जो वट है इसकी पूजा सब लोग करते हैं और ख़ास करके स्त्रियाँ करती है क्योंकि स्त्री जो है इसका जो मासिक धर्म और इससे संतान प्राप्ति जो है उसका महत्व अधिक है पूजा करने का कारण क्या है कि वनस्पतियों के साथ हमारा रिश्ता बने और स्त्रियाँ इसकी पूजा इसलिए करती है क्योंकि एक कथा है कि सत्यवान सावित्री इसमें से जो सत्यवान थे उनका प्राण हरण करने के लिए यम राजा आए थे और तभी सावित्री ने उनसे उनको रोका और कहा प्राण नहीं मैं लेने जाने जाने दूंगी मेरे पति के तो थोड़ा वाद विवाद हो गया बाद में इसने वट के नीचे यहाँ पर मैं मेरे पति को बिठाती हूँ ऐसे बोल के बिठाया और ये वृक्ष की पूजा शुरू की और ये पूजा करने के बाद ऐसा हो गया कि यमु को अपने इनके पति के प्राण वापस देने पड़े मतलब क्या है प्राण शक्ति ये इसका फील्ड इफेक्ट है ये वट वृक्ष के सानिध्य में प्राण शक्ति बढ़ती है तो इस ये दोनों चीज़ों में ये काम आता है अभी देखिए एक संस्कृत में श्लोक है आयुर्बल यशोवर्च प्रजा पशून वसून च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाच तव दे वनस्पते वनस्पति से प्रार्थना की है कि मुझे ताकत दे प्रज्ञा दे मेधा सब कुछ सब वनस्पति देती है मैं तो ऐसे कहता हूँ कि हमारे दादा परदादा परदादा कि परदादा ऐसे पीछे जाएंगे तो पहले तो वृक्ष ही आएगा एक सब वनस्पति से तो ये दुनिया बड़ी आगे तो ये जो बात है ये वड़ का जो पेड़ है वो हमारा अनादि बहुत पहला पेड़ है और ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है अभी इसके उपयोग बहुत है तो जैसे मैंने कहा तो उसका पहला जो उपयोग है वो इसकी बरगद की जो छाल होती है ये ये छाल से चार कप पानी में एक छाल थोड़ी डाल के इससे आधा टुकड़ा करके ले ले रहे और इसको ज़रा कूट के अंदर डालिए और उबालिए और एक कप जब पानी रहेगा तो पी जाइए ये जो पानी है वो आयुर्वेद में या हमारी पंचकर्म थेरेपी में जब अंदर इन्फेक्शन वगैरह होता है स्त्रियों को योनि मार्ग में तो उसके धोवन के लिए भी ये काम में आती है तो ये जो है ये तो सब वनस्पतियों का उपयोग है ही लेकिन ये वृक्ष का जो फील्ड इफेक्ट है इसलिए उसको प्रदक्षिणा की जाती है और प्रदक्षिणा करने के लिए सुझाव एक क्या होता है कि जब पूजा करती है स्त्रिया तो एक धागा लेती है और कहती है कि मैं जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण का श्री कृष्ण को राखी की जगह पर धागा बांधा था साड़ी का पल्लू का टुकड़ा बांधा था इस तरह ये एक वस्त्र के रूप में पेड़ को धागा लपेटते हैं लपेटना क्यों है तो प्रदक्षिणा जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है तो ये जो वर् का काम है वो प्राण शक्ति बढ़ाता है ऐसे हमारा अनुभव है कभी कोई ऐसे संशय निकालते हैं तो मैं कहता हूँ कि जैसे एक फील्ड में आर्मेचर घूमता है तो अंदर बिजली तैयार होती है इस तरह ये अलग अलग पेड़ों के फील्ड इफेक्ट होते हैं और इसमें हमें ये वनस्पति मिल ये बन जाता है तो जीव जीवन शक्ति मिल जाती है ये इसमें क्या है ये कंसीव करने के लिए इसके ये जो छोटे छोटे है ना वटांकुर ये वटांकुर और अंदर शक्कर मिला के खाना है छोटी सी गोली बना के और उसके ऊपर दूध पीना है तो जो ऋतुकाल ठीक नहीं होता हॉर्मोनल सिस्टम ठीक नहीं होती और स्त्रियों को अपत्य प्राप्ति में कंसीव करने के लिए जो तकलीफ होती है अपत्य प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति उसमें भी इसका लाभ होता है इस तरह से और ये जो इसकी जो जटा है ये जटा तेल में यदि हम इसको कूट के पहले तो भिगा के रखना है कठिन है बहुत और बाद में इसको कूट के को जो हमारा कोकोनट ऑयल है कोपरेल इसके अंदर डाल के इसको उबालते रहते हैं अंदर पानी के सिवाय तेल कभी आ, अपने आप उबलेगा नहीं क्योंकि नहीं तो जलने लगेगा और इससे जो तेल बनता है जटा जटादी तेल ऐसे इसको बोलते हैं बाद में इसके अंदर आंवला है किड़ा बेड़ा है हल्दर है हल्दी है इस तरह से डाल सकते हैं तो ये बाल एकदम चमकदार और लंबे घने होते हैं बाल झटते होंगे तो बहुत सारे बाल कभी कभी कंगे में आते हैं इसका क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि वाइट डिस्चार्ज होता होगा तो ये जो काढ़ा है वो भी बहुत उपयोग छाल का काढ़ा वो आता है और जिस स्त्री के लिए वाइट डिस्चार्ज होता रहता है उसका सफ़ेद पानी जाते है। बोलते हैं ना ऐसा तो बाल झटते ही है तो दोनों बाजू से है। ये काम करना ये काढ़ा पीना और तेल बना के लगाना देखिए अपना वृक्ष जो है सब गाँव में सब जगह मिल जाएगा और ऐसे देहातों में तो एक बड़ा पेड़ है छाया में और शाम को वहाँ बैठ के लोग जा आते हैं गांव में क्या करना है कुछ नहीं पंचायत के लोग बैठते हैं ये पेड़ जो है वो सबको सहारा देता है और हमारे जीवन में शांति लाने के लिए और ख़ास विशेष करके स्त्रियों का आरोग्य रक्षण करने के लिए बहुत काम का है